पत्रकारों के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा सीधे तौर पर जीत नहीं सकती तो लोगों को बदनाम करते हुए और महिलाओं का उपयोग कर अपनी जीत सुनिश्चित करती है। आज भारत की न्याय व्यवस्था ही नैया मांग रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सत्ता का कैसा दुरुपयोग करी है। बीजेपी जिस तरह से अगर सीधे से लोगों को जीत नहीं सकती तो उसकी बदनामी कर उसको कैसे झुका जाए, ये कोशिश बीजेपी हमेशा करती है। जिसको पुरातन काल में विष कन्या ऐसा शब्द बोला जाता था, तो महिलाओं को आगे करकर अपने सुप्रीम कोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस थे उस समय के, उनके पीछे भी कैसी महिला को लगाया गया था जिसमें बीजेपी कैसे सपोर्ट में थी, वो भी बात सब देश को और दुनिया को पता है। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके जजेस साथी मीडिया के सामने आके अगर बोलते हैं कि हमें बचाओ, तो जिस न्याय व्यवस्था के ऊपर जो विश्वास है लोगों को, जब कहीं न्याय मिलता नहीं तो हम न्याय व्यवस्था के पास जाते हैं, वो अगर न्याय मांगने आते हैं तो कितनी बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करती है इसका अंदाज आपको पता है। शायद जो घटना दिल्ली में हुई है, जो आपके कार्यकर्ता जिसने जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाया है, तो बीजेपी का ही इन्वॉल्व उसमें होगा, ऐसी उनकी सोच होगी और इसलिए वो बीजेपी के कार्यालय पे मोर्चा लेके जा रहे हैं।